सर्कस को फिल्मी फीवर चढ़ा हुआ है। मिस फ्रिगांसा, अब यहाँ पर आकर मतलब कैसे लगता है आपको? लग तो मुझे बहुत अच्छा रहा है, लेकिन अभी देखो ना वक्त इतना बदल गया है जोआना। एक वक्त था जब तुम्हारे जैसे मैं भी थिन क्रस्ट पिज्जा थी, अब मैं डबल चीज पिज्जा बन गई हूँ। और आपके लेफ्ट में होगा गजनी। मैं गजनी नहीं हूँ, मैं एक फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ जो अपने कुछ पिछले फिल्में भूलना चाहता है। गुड इवनिंग एंड नमस्ते इंडिया। मैं आपका सबका स्वागत करती हूँ कॉमेडी शोज के बाप कॉमेडी सर्कस में। सोचो अगर ऐसा हो तो क्या हो। आइए देखते हैं कॉमेडी सर्कस का संजू। प्लीज वेलकम मुबीन एस संजू, सिद्धार्थ एस कमली एंड करिश्मा एस राइडर। नमस्कार देवियों सज्जनों, बच्चे और बहुत छोटे बच्चों, क्योंकि अपना शो प्रेग्नेंट औरतें भी देखती हैं। फाइव 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 फाइव। सोहेल भाई महीना बहुत ज्यादा गुस्से में हो, पूरी जिंदगी भाई संजू बाबा करते रहा और बायोपिक बनाने की बारी आई तो वो रणबीर कपूर को ले लिया। अरे ये इंडस्ट्री में ना बहुत ज्यादा नेपोलियन है। नेपोलियन नहीं, नेपोटिज्म। हाँ ये बात तो आपको मालूम ही होगी ना भांजे, नेपोटिज्म मेरे को बोलता है। वैसे अर्चना जी ये किताब देख रही हो? हाँ। मतलब आपकी आंखें ठीक है? एक्चुअली मेरे को ना इसी तरह के पीजे मारने का शौक हो गया है। हाँ। लत लग गई है, इसी चीज का नशा करता हूँ मैं। हाँ। बहुत परेशान हो गया उस नशे से। हाँ। और ये किताब इसी पर आधारित है। अच्छा। मुब्बू की आत्मकथा। मेरे को ना बार बार तलब आती है। अरे फिर से तलब आ रही है, तलब आए। हाँ सुनो सुनो, कल ना मैंने 2018 के कैलेंडर को हाथ लगाया। हाँ। मेरे को बहुत जोर के करंट लगा। मालूम है काय को? क्योंकि वो कैलेंडर करंट ईयर का था। ये जो नशा है ना मैशा ना, दिमाग में केमिकल लोचा होता है, मैं उल्टी सीधी हरकतें करने लगता हूँ। अभी कल ही की बात है सोहेल भाई, एक बच्चा सुसू कर रहा था, मेरे को लगा नल चालू है, मैंने जाके बंद कर दिया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं काय को चिल्ला के भाग गया। ये दो चीजों ने फिल्म में बड़ा इरिटेट किया, एक पुत्र और चित्र। अगर ये मैं नॉर्मल बोलता ना पक साला झूठ बोलता मजा आता। ये आप ठीक नहीं कर रहे हो। क्या ठीक नहीं कर रहा हूँ? यही परेशान वाली, इसको ऐसा करो, ये राजू मेरे को बंबई की सपोर्टर लगता है। अरे टंटे खुमा खुमा के मारते हैं राजू। अरे पुत्र ये गंदे चुटकुलों की तेरी लत ने इतना बदनाम किया है, कल मैयत में जाके इतना गंदा चुटकुला सुनाया, बेटा बाप की लाश उठा के लेट गया। ओ पुत्र अथेना मुत्र। अथेना मुत्र। अरे नहीं नहीं बाबूजी, मैं चुटकुला पढ़ रहा था मैं। पुत्र तेरी ये जो ये नशे की लत ना, इसकी वजह से तेरी बुआ सदमा में चली गई। बुआ सदमे में चली गई? अरे सदमे में तो कमल हसन था ना। अभी एक और आया। हाँ। अभी एक सवाल का जवाब दो। हाँ। अभी सलमान खान और आमिर खान। हाँ। शूटिंग पे अंडे उबाल के लेके गए, काय को? काय को? क्योंकि फिल्म का नाम था अंडाज अपना अपना। ये बहुत गलत हो रहा है पुत्र, पक साला पक झूठ बोलता, पक साला पक साला पक झूठ बोलता। क्या समझ समझ, ये लो चले 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 पक 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 झूठ बोलता है। बाबूजी आप पुत्र आपकी लत तो पूरी हो गई, मेरी लत का भी कुछ करो ना। ओ पुत्र तेरे लिए मेरे पास एक इलाज है, उस्ताद नंबर एक का गाना याद कर। अरे वाह बाबूजी, बिल्कुल मजा नहीं आया। पुत्र तू एक काम कर। हाँ। एक गाने वाने छोड़, फिल्मों पर ध्यान दे, स्क्रिप्ट पढ़ता है कि नहीं? हाँ। स्क्रिप्ट क्या पढ़ी? पढ़ी तूने एक भी फिल्म की स्क्रिप्ट? हाँ पढ़ी है मैंने, मजा नहीं आ रहा इसलिए नहीं कर रहा। ऐसे मजा नहीं आ रहा है देख। अरे दरवाजा बंद करो, कोई देख लेगा मजा आ रहा है। अरे 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 बाबूजी ये करिश्मा शर्मा की स्क्रिप्ट है, सॉरी। अरे बाबूजी मेरे को फिर लत लग गई। बाबूजी एक और सुन लो ना। सुना? हाँ।
एक बार क्या हुआ, ये अपना सुरेंद्र है ना, ये ना परफ्यूम लगा के ना बांसुरी बजाने के लिए जाता है, लेकिन बांसुरी बजती नहीं है। बोलो काय को? क्योंकि ना रही बास ना बजी बांसुरी। पुत्र ये जो तेरी चुटकुले सुनाने की लता बहुत गंदी है पुत्र, ये कहां से लग गई तुझे? अरे इसके जिम्मेदार आप हो। आज भी मुझे याद है जब मैं 5 साल का था, मेरे को अंधेरी स्टेशन से चुटकुले की किताब ला के दी थी, देवर भाभी के चुटकुले। वो किताब तूने मेरे तकिए के नीचे से चुराई? पुत्र इतना गंदा नशा है पुत्र, इस नशे को नौकर तू कहीं ध्यान भटका पुत्र। अरे कहाँ ध्यान भटकाऊं, कोई ध्यान भटकाने वाली चीज ला कर दो ना। एक काम करो ना बाबूजी, मेरे को ना मेरे को वो लागे दो। करिश्मा चाहिए? अरे नहीं नहीं करिश्मा नहीं, वो अरे सना सईद मेरी। अरे नहीं नहीं अर्चना, तो ऐसे ऐसे करके कंफ्यूज क्यों कर? ऐसा कर तो ये था अपुन की लाइफ का फर्स्ट चैप्टर। मेरे बाबूजी जिधर से भी गुजरते थे ना, लोग उनको बोलते थे वो देखो चुटकुला वादी का बाप जा रहा है। लेकिन मैं ना इस इमेज को बदलना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने एक राइटर बुलाया। ए राइटर किधर है? राइटर बुलाया था, नहाया हुआ मलिंगा आ गया। मुझे आपकी बायोपिक लिखने के लिए बुलाया गया है। ओके तो बताइए आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं? कितनी गर्लफ्रेंड? तो ऐसा जो साथ में को आर्टिस्ट रहती है करिश्मा टाइप, उनको जोड़ने का कि छोड़ने का? अच्छा छोड़ने का। हाँ वैसा बोले तो 350, लेकिन सबसे ज्यादा मुंह मैंने बाटली को लगाया है। बाटली? अरे बाटली जुआना बाटली वाला। ओह माय गॉड, ये गन आपने छोड़ी नहीं है सब ना? अरे नहीं नहीं मैडम डरो मत, नकली है, पिचकारी है ये। मैं तो अब इन सब चीजों से बहुत डरता हूँ बाबा, मैं इतना डरता हूँ मैंने नेल कटर का भी लाइसेंस बनवा लिया है। अब मुझे एक बहुत अहम सवाल पूछना है। हाँ पूछिए। मैंने सुना जब आप जेल में गए थे तो आपने कपड़े नहीं पहने थे। हमने भी आपकी रागिनी एमएमएस देखी, हमने ये सवाल आपसे किया। अरे मैडम मेरे को ना बहुत ज्यादा बार बार ऐसी तलब आ जाती है, बहुत ज्यादा। एक सुनाओ। हाँ सुनाइए। हाँ, ये जो नीला आर्म स्ट्रांग था ना, हाँ, वो जब चांद पे गया ना पहली बार, तो उसकी बीवी ने सफेद साड़ी पहन ली। काय को? काय को? क्योंकि वो दुनिया छोड़ के चला गया था। इतना गंदा नशा, ये ऐसा नशा है जो करने वाला नहीं सुनने वाला मरता है। गॉड, आपका कोई ऐसा दोस्त नहीं जो आपको संभाल सके इस नशे से? अरे है ना वो लाइटहुड चंगोटिया यार। नहीं नहीं क्या बोलते, चाइल्डहुड चंगोटिया यार, ए कमली। ये हंसते हंसते चुप क्यों हो गए? गुजराती हूँ, हंसी बचा रहा हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? डायलॉग नहीं सांस बचा रहा हूँ। तूने फिल्म में मेरे से करिश्मा तन्ना ची नहीं, इधर करिश्मा शर्मा दिए भी ना। कमली कमली मेरे को तलब आ रही है, कुछ करना कमली, कमली कुछ करना। ए कमली कमली कुछ करना, कुछ करना कमली। टाइगर है तुम, रोर ले भाई रोर। अरे भाई बजट कम है, ऐसा रोर नहीं। अबे हट। अरे मैडम अब सवाल पूछो। हाँ अब बताइए, बंधु भाई के बुलाने पे आप क्यों नहीं गए गणपति पे? हाँ वो क्या हुआ, गणपति पे मेरे को बंधु भाई ने बुलाया। हाँ। मेरे को बोलता गणपति पे तेरे को आना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने उधर सबसे कमिटमेंट किया है कि तू आ रहा है, अभी पापा आएगा, ऐसा बोल दिया सबको मैं, अगर तू आया नहीं आया मैं गोली मारेगा तेरे को। ये सुन के ना मैं डरा नहीं, मैं उधर से उठा अलमारी के पास गया, मैंने दूसरा पजामा पहना, वापस आके बैठ गया। मैं बंडू भाई को मैं सीधा बोल दिया, देखो बंडू भाई अभी क्या मैं आऊंगा, अखबार वाले देखेंगे, खबर छापेंगे कि मेरा अंडरवर्ल्ड में कनेक्शन है, बाबूजी तकलीफ में आएंगे। हाँ भाई। मैं अगर नहीं आऊंगा तुम मेरे को गोली मारोगे, अखबार में खबर आएगी बाबूजी तकलीफ में आएंगे। तो मैं क्या है तकलीफ में नहीं देख सकता अखबार वालों को, बाबूजी तो तकलीफ में आते रहते हैं ना। अरे अरे पुलिस आ गई भागो। अरे भाई भाई मेरा फोन बजा, इसको बजाया नहीं तो मेरे मुंह से बजा भाई, इधर फोन बजा। अरे कमली ऐसी रिंगटोन नहीं रखने का, मेरे को बहुत तकलीफ होती है।
मैं तो इन सब चीजों से इतना डरता हूँ ना, पीछे अगर एम्बुलेंस का भी सायरन आता है ना तो मैं गाड़ी साइड नहीं करता, हाथ ऊपर कर लेता हूँ। तुम दोनों ये सब छोड़ो, मुझे और सवाल पूछने। अरे सवाल मत पूछो, मेरे को तलब आ रही है। कमली, ए कमली, मेरे को तलब आ रही, कुछ करना कमली। मेरा भाई, मेरा भाई, तो टाइगर है ना, टाइगर रोर ना मेरा भाई, रोर। अरे ऐसा नहीं ऐसा रोर ना मेरा भाई। आपने तो बोला था ये चलती नहीं है। अरे ये बात तेरे को मालूम है, इसको थोड़ी मालूम है। अरे कमली, ये मैंने क्या कर दिया, अपने दोस्त को गोली कर गोली मार दिया। ए माल, ए कुछ करना, ए माल कुछ करना। मेरा भाई तू टाइगर है, तू शेर है मेरा भाई। जाते जाते इतने बोलूंगा मेरे भाई, एक बार रोर ले भाई, रोर। अरे ऐसे नहीं भाई, कुछ कुछ बताना चाहेंगे प्लीज अर्चना जी? टैलेंट टैलेंट टैलेंट, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, इन्हीं शब्द से आपके एक्ट को डिस्क्राइब किया जा सकता है। करिश्मा, वंडरफुली डन, वंडरफुली डन। शब्द नहीं है इस टीम को सराहने के लिए, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट आई वांट टू से दैट मुबीन, आपका संजू वाज माइंड ब्लोइंग। सिद्धार्थ, एक कैरेक्टर से दूसरे निकल के फिर फैंटास्टिक। सहज जी, ये टीम मल्टी टैलेंटेड है अनडाउटेडली। मुबीन, यू हैव सरप्राइज All of us today. मतलब आप जो थे आज as Baba, you were tremendous, you were fabulous. और सिद्धार्थ, सबको ताज्जुब होता है आप गिरते हो उठते हो, लेकिन with all this haphazardness to continue your act and to keep it going, यार ये कैसे कर लेते हैं यार? And as a team, same with you Karishma, it's just fabulous. अभी हम देखते हैं लाफोमीटर पर इनकी क्या है कमाई। मुबीन, सिद्धार्थ और करिश्मा, आपको मिलती है 12 मंद मंद हंसी, 16 हाहाकार और 20 फेफड़ा फाड़, तो कुल मिलाकर आपको मिलते हैं 3,10,000। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखते हैं हमारी कुछ कुछ होता है, जहाँ कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ होगा। सो प्लीज वेलकम गौरव एस शाहरुख, साना एस ज्योति अंजलि एंड अभिलाष एस काजोल एंड सलमान। फ्रॉम करण जौहर टू मिस प्रिगेंजा। सॉरी आंटी, रॉन्ग लेटर। मम्मी का लेटर पढ़ते हो? ओके, बाय बेटा, बाय मामा। अब तो लगता है समर कैंप जाना ही पड़ेगा। पापा, मैं यहाँ हूँ। तुम्हारा स्टैंड अप देख के मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ। मिस ब्रिगेंजा, पहचाना? मुझे नहीं पहचाना। मिस्टर मल्होत्रा। पापा प्लीज, आप मेरी बास्केटबॉल को कुछ मत बोलिए। सॉरी बेटा, मैं तो भूल गया था कि तुमसे ज्यादा रोल तो बास्केटबॉल का था। मिस ब्रिगेंजा, आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलता, लेकिन झुर्रियां देख के लगता 65 की हो गई होंगी आप। हे अंजलि, बिना मुझसे कहे तुम समर कैंप पे क्यों आई? अगर तुमको जाना ही था तो सलमान खान कैंप पे जाती, तुमको काम ही तो मिलता। देखो पापा, अगर सलमान खान कैंप जाना है तो सोहेल सो है ना, मैं उनसे बात कर लूंगी, वो सेटिंग कर देंगे। अरे वो तो खुद ट्राई कर रहे हैं सलमान खान कैंप। मैं खुद वही सोच रहा था। वो तो खुद ट्राई कर रहे हैं सलमान खान कैंप में जाने की, क्योंकि बेटा आप डोमेस्टिक का कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं जा सकते। यानी अर्चना जी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बैठी है? अरे नहीं बेटा, एक दिन अचानक हमारे शो के प्रोड्यूसर विपुल डिशा के गर्दन पे बड़े बड़े दांतों के निशान दिखाई दिए। क्या? तब से बेचारे डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं। अर्चना ने काटा ठीक है, लेकिन गर्दन के अंदर डेंचर कौन छोड़ता है?
अच्छा पापा, ये सब छोड़िए, आप अपनी आंखें बंद कीजिए, मैं आपको किसी से मिलाना चाहती हूँ। ओके। मेरी काथना, मेरी काथना, मेरी काथना, मेरी काथना। पापा, अब आप आंखें खोल लीजिए। पापा, ये अंजलि है। ओह या, अंजलि। देखिए, आप दोनों झगड़ा बंद कीजिए, नहीं तो मेरी माँ का सपना अधूरा रह जाएगा। बेटा, कुछ कुछ होता है के बाद आपका करियर अधूरा रह गया, माँ के सपने की बातें कर रही हो आप। एक मिनट, मैं केली का हूँ, उसी फिल्म की मेरी कोस्टा भी तो स्ट्रगल कर रही है। तो अर्चना के बारे में कुछ कहा तो? आप अर्चना को छोड़िए, मुझे अंजलि मामा से कुछ बात करनी है। हेलो, जाओ, हमें क्या? मैं आपको एज अ बेटी पसंद हूँ। बहुत पसंद हूँ, मेरी कौत हो नो। और एज एन आर्टिस्ट दो कौड़ी क्यों, मेरी कौत हो नो। बता क्या कहा था? बता क्या कहा था? क्या कहा था? राहुल इज अ चीटर, ही इज अ चीटर, राहुल इज अ चीटर, ही इज अ चीटर। अंजलि, जैसी तेरी शक्ल है तो जिंदगी भर पलटी रहा है। प्लीज पापा, आप और अंजलि एक हो जाइए। अरे बेटा, अगर हम और वो एक हो गए तो तुम्हारा क्या होगा? मैं नन्ही सी जान किसी के साथ भी सेट हो जाऊंगी। अरे छोटे, कैसा है? मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको ट्रिपल जॉन्डिस कब हुआ था? सलमान भाई, आप ऐसे टेढ़े क्यों हैं? अरे ब्रेसलेट पहना है ना ब्रो। थर्माकोल वाला पहन लेते, हल्का होता। अरे थर्माकोल कहीं लगाया है यार। भाई साहब, आपसे एक बात कहूँ? बोलना बोलना बोलना। शायद आप अपने हड्डियों में सलमान डलवाना भूल गए। बोलना बोलना बोलना। इन्हें छोड़िए, मैं ना अभी बड़ी हो गई हूँ, आप तो किसी को भी लॉन्च कर लेते हैं। मुझे लॉन्च कर दीजिए। रेस करेगी? रेस रेस yes, रेस करूंगी। अभी क्या, मैं 3 तक काउंट करूंगा, हाथी के दांत को टच करके आना, रेस करेंगे। एक मिनट, बोलना बोलना। हाथी बोलना को तो कोई भी छू सकता है, अगर हिम्मत है तो घोड़े का छुक दिखाओ। अर्चना जी, प्लीज कमेंट दे दीजिए, आप तो वही सोचते जहां हम छोड़ देते हैं। मिस ब्रिगांसा, इनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद आपको कुछ कुछ होता है या बहुत कुछ होता है? दिस इज नॉट अ स्पूफ एज मच एज इट इज अ ट्रिब्यूट। सो उस ट्रिब्यूट के लिए, उस ग्रेट फिल्म के लिए और आप लोगों की मेहनत और आप लोगों की टैलेंट के लिए, उन सब के लिए हमने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। थैंक यू। साहिल जी, मुझे बहुत मजा आया। इट वॉज अ फैबुलस एक्ट। Thank you, sir. It was outstanding. Congratulations. Yay. Thank you, sir. Thank you so much. चलिए आप देखते हैं कि लाफोमीटर पर इस पिक्चर ने कुछ कुछ कमाया है या बहुत कुछ कमाया है। गौरव, साना और अभिलाष, आपको मिलती है 14 मंद मंद हंसी, 20 हाहाकार और 15 फेफड़ा फाड़, तो कुल मिलाकर आपको मिलते हैं 285,000। Thank you guys so much. Thank you. GST पे जितने सवाल नहीं उठे उससे ज्यादा ये सवाल उठा, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? Please welcome बलराज as बाहुबली, आदिति as शिवगामी and दिव्यांश as कटप्पा। मम्मी, मम्मी प्रणाम। मम्मी, तेरा बेटा स्टार बन गया। बड़े शो में छोटे छोटे कॉमेडियन तेरे बच्चे की आवाज निकाल रहे हैं। मम्मी, आपको पता है बड़ी गड़बड़ हो गई, वो अर्चना जी की हंसते हंसते सुहेल भाई को टक्कर लगी, ज्यादा चली गई, गजनी बन के बैठे। ठीक है मम्मी, रखता हूँ मैं, ओके, शूटिंग शुरू होगी, बाय। सुहेल भाई, बाहुबली बनाऊ मैं आज। आप सोच रहे होंगे तलवार नहीं लेके आया, ये स्क्रिप्ट भी लेके आ गया। हम स्टैंड अप है, हमारा कंटेंट ही हमारा हथियार होता है। वाह 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 वाह। अर्चना जी, सुहेल भाई की याददाश्त गई, सलमान भाई बड़े खुश हैं। क्यों? कहते हैं अच्छा हुआ भी घर आके अपनी फिल्म की कहानियां नहीं सुनाएगा। आपको पता है ये सब आपकी वजह से हो रहा है आज का एपिसोड। क्यों, क्यों? कहते हैं पिछले 3 साल में जो जो हिट फिल्में करके दिखाओ अर्चना देख नहीं पाई। सुहेल भाई, आज मैं अपनी माता शिवगामी गिल से बात करने आया हूँ। ये आलू ले लो। सुबह से ना एक कांता बिका है, ना ही बिका है आधा आलू। एक सेकंड, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है।
ले लो कांदा ले लो। माता ऐसे बेचते हैं सब्जी? हमें कैसे ज्ञात होगा कि सब्जी कैसे बेचते हैं, हम महारानी हैं। वो तो रिसेंटली अभी गरीब हुए ना, तो ज्यादा आइडिया नहीं है आलू कांदा कैसे बेचते हैं। एडजस्टमेंट करनी सीखो, तुम्हें पता है गरीब होने के बाद कैसी कैसी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है सोहेल भाई। किसी ने 3 साल इसी टोकरी में मठ से बरसोवा मछलियां बेची हैं माते। तुम महारानी पहले हुआ करती थी माते, अब नहीं हो। वो सब लूट के ले गया वो घोड़े की मिमिक्री करने वाला, क्या नाम था उसका, काल किया। हाँ सब लूट के ले गया सुहेल भाई, महल में कुर्सियां तक नहीं बची हैं, एक कुर्सी पे 4-4 लोग बैठते हैं। वो कैसे? उल्टी करके। सब लूट के ले गया वो, कुत्ते वाली हालत बना दी हमारी। कुत्ते से याद आया, कटप्पा कहाँ है? मामा तुम पैदा होते ही आ गए। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मामा का मजाक उड़ाते हुए? आपको पता है एक बार घोड़े के आगे घूम रहा था, घोड़ा इसको चना समझ के खा गया। हमें पता है मैंने सुबह कैसे अलग किया इसको फिर। बाहू जी, हमारी नेक्स्ट फ्राइडे जंग होने वाली है। फ्राइडे को अगर जंग है तो 24 घंटे से पहले पहले निपटा देना, क्योंकि सैटरडे संडे तो कॉमेडी सर्कस आने वाला है, वो तो देखना है ना। बहन ऐसा करने से ना सीजन 2 नहीं मिलता, अच्छा करने से मिलता है। बकवास बंद करो, मुद्दे की बात ये है मैंने तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ ली है। वो जो लड़की मैंने छुपाई थी आपने ढूंढ ली? और तेरे को ढंग से छिपना भी नहीं आता, तू किसी काम की नहीं है पता। बाहुबली जैसे महान बाप की औलाद होकर कैसी बात कर रहे हो बाहुबली? मेरे बाप का नाम भी बाहुबली, मेरा भी बाहुबली। ये क्या तुम लोग क्या रेस 1-2-3 बना रहे हो, एक ही नाम रखे हुए हैं? माता तुम्हें कैसे पता चलता है बाप बेटे का नाम सही में? तो पता कैसे चलता है बाप कौन है बेटा कौन है? पता चल जाता है बेटा, तेरा बाप दूसरों को भी बोलने देता था, पूरे एक्ट में अकेला स्टैंड अप नहीं करता था। माते इससे बड़ा लाफ्टर नहीं मिलना, दी एंड बोल के निकल जाते। बहाने बंद करो और युद्ध की तैयारी करो। किससे युद्ध करना है? कालिका से, कालकी से, जो भी है समझ आ गया। कालकी से युद्ध है हमारा, तैयारी करो। तूने इस बार भी गलत ही बोला, क्यों ठीक करने की कोशिश कर रही तू? माते हमें लगता है कि हमें काल क्या से युद्ध नहीं करना चाहिए। सुहेल भाई जिसकी भाषा ही समझ में नहीं आती उससे क्या लड़ना, पता नहीं कौन सी गालियां दे रहा है हमको। एक बात बताओ, आपने कभी देखा है सना और गौरव को लड़ते हुए आपस में? सना को गौरव की मीरा रोड वाली हिंदी समझ में नहीं आती, उसको उसकी बैंड्रा वाली इंग्लिश समझ में नहीं आती, लड़ते ही नहीं आपस में। मैंने गलत बोला है पुनप्पा? जो भी है हेड ऑफ द स्टेट होकर कैसी बातें कर रहे हो, हमारे साम्राज्य की गरिमा को बरकरार रखो। कट्टू डॉक्टर ने कितनी बार बोला है अपने से भारी शब्द मत बोला करो, मत बोला करो, मत बोला करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इस विशाल साम्राज्य को कौन संभालेगा बाहू? माता तूने ऐसे जोर लगाया, साम्राज्य में बचा कुछ नहीं विशाल। सब लुट गया अर्चना जी, मतलब आपने तो क्या 3 साल में देखी होगी गरीबी जो हम देख रहे हैं आजकल। इतने बुरे हाल है, शाही भोज रख लो ना प्रजा खाने नहीं आती, कहते राजा के साथ बैठ के खाना नहीं खाना, हमारी थाली में से अचार उठा लेता है। हमारे हाथी खाना ना मिलने की वजह से इतने कमजोर हो गए, इतने कमजोर हो गए, इसकी चारपाई के नीचे सोते। सोचो इसकी चारपाई के नीचे जो कमोड पे सीढ़ी लगा के चढ़ता है। तुम जो बोलते हो विचार करके बोलो, इसके सामने बोल रहे हो। माते मेरी शादी नहीं हुई, ये कहां से आ गया? ये वीरेंद्र मूडी है, अपने मूड के हिसाब से आता है और जाता है, ये जो करेगा अपने मूड के हिसाब से करेगा। आक्रमण की तैयारी करो, हमारे महेशपति पे हमला होने वाला है। महेशपति पे हमला होने वाला है, तू नानी के घर निकल जा कुंदप्पा। लड़ाई होने वाली, हथियार है नहीं हमारे पास, कैसे लड़ेंगे? अरे हाँ बहन, हमारे साम्राज्य में हथियारों की कमी है, इतनी कमी है कि कल जब जंग हो रही थी तब हम टूथपिक लेके भाग रहे थे, दुश्मनों ने सामने से ऐसे मुंह खोल दिया जिनकी जान निकालने चले थे ना, दांतों के बीच से चिकन निकाल कर आए। मामा मुझे चिकन से याद आया, मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है मामा।
चिकन से लड़की कैसे आ जाए? वो भी सुबह 4 बजे उठ जाती है, पक पक करती रहती मामा। इसलिए माँ मेरे को शादी करनी। किससे प्यार हुआ है? दिखाऊं तुमको? हाँ ये देखो माँ। नहीं नहीं बहू नहीं, तुम्हें इससे प्यार नहीं हो सकता। एक मिनट, सारे सर्कस की टीम इससे प्यार कर सकती, मैं बाहुबली नहीं कर सकती। माते, मैं उसी से शादी करूंगा। नहीं नहीं बाहु, तुम इससे शादी नहीं कर सकते। मेरा वचन ही मेरा शासन है। क्या है? शासन। फेल भाई, ये माही सुमति गोंडा जिला में पड़ता है, बिहार में। शासन। माते, मेरे को शादी करनी। शादी वादी की पड़ी हो, तुम्हें पता है वॉइस नोट आया है? ये देखो, धमकी। 5 घंटे से पकड़ के खड़ी, इसका क्यों अपमाना था? माते, क्या है इसमें? इसमें धमकी भरा वॉइस नोट है। लेट्स प्ले इट बेबी। राजमाता, लेकिन मैं बाहू को नहीं मार सकता। क्यों? भले ही भांजा, लेकिन थप्पड़ बड़ी जोर से मारता है। भांजे, मुझे तुम्हें मारना होगा। ठीक है मामा, फिर मामा। एक मिनट जी, मुझे मारने के लिए कितने पैसे देकर गई है माँ? पता नहीं, कुछ वचन नहीं है, शासन बोल के गई थी बस। मामा, कोई पैसा नहीं मिला? ना है। फ्री में काम करेगा तो प्रोफेशनल कैसे बनेगा? अरे हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा मामा, क्योंकि हम माहिष्मती के मामा भांजा हैं। ऑप्टिमिस्टिक नहीं कि कुछ ना भी करें तब भी चल जाएंगे। तू ये काम कर, उसको मार दे, मैं तेरे को चॉकलेट भरा ट्रक दूंगा। अरे माहिष्मती खत्म कर दूंगा, कहाँ है शिवगामी? मैंने इसको चॉकलेट की सुपारी दी है। मैं तुझे गोरे होने की औषधि दूंगी। बाहुबली। मामा, इसको मार दे। मामा, तू बहुत मोटा हो गया, मैं तेरे को स्लिम ट्रिम होने की ग्रीन टी लेके दूंगा। अबे यार, नाटा मैं, खोरा मैं, बद्दा मैं। मामा, ये तूने क्या किया? मर गया। ये क्या किया तूने? मामा मामा, तू ऐसे नहीं कर। अरे ज्यादा लाफ्टर नहीं मिलेगा मामा, थैंक यू बोल दे। थैंक यू। चलिए जल्दी से बताइए अर्चना जी। आई हैव एंजॉयड दिस एक्ट, इतने अलग अलग लेवल्स पर मुझे मजा आया इस एक्ट में। फ्रॉम योर बाहुबली, तुम्हारा स्टैंड अप बलराज, ऑफकोर्स ऑलवेज गुड, लेकिन इस बार तो बाजी कौन मार गया। आदिति, आदिति, यू वर सो गुड। अनइंटेंशनल ह्यूमर एंड इंटेंशनल ह्यूमर, इस एक्ट में तुमने बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया। वेरी वेल डन। और दिव्यांश, तुम्हारे पूरे जो फिजिकैलिटी है इस कैरेक्टर के लिए, वो इतनी आयरॉनिक है कि उसी में मजा आ गया कि कटप्पा का किरदार कर रहे हैं दिव्यांश। इट वॉज अ लवली एक्ट ऑन मैनी 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 लेवल्स, बहुत मजा आया। वेल डन। साल जी, मुझे दिव्यांश को देख के बहुत खुशी हुई। कटप्पा का जो एक कैरेक्टर है, जो एक हवा है, इसने बर्बाद कर दिया। मतलब अभी इसके बाद कोई कटप्पा जैसे आदमी को कोई सीरियसली नहीं लेगा। सच्ची में। थैंक्स टू हिम। बलराज, आपका सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट आपको तब आया जब अदिति ने आपके ऊपर पहला जोक चिपकाया और वहां खुशी हुई। वो आपका सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। Amazing. आप देखते हैं इन्होंने अपने परफॉर्मेंस से कितने पैसे कमाए। बलराज, अदिति एंड दिव्यांश, आपको मिलती है 14 मंद मंद हंसी, 11 हाहाकार और 20 फेफड़ा फाड़। तो कुल मिलाकर लाफो मीटर पर आपको मिलते हैं 2,90,000। थैंक यू भाई, थैंक यू। हमारी ये दुनिया एलियन का फेवरेट टूरिस्ट प्लेस है। इस दुनिया में मोबाइल का सिग्नल कच हो ना हो, एलियन का सिग्नल तो जल्दी कनेक्ट हो जाता है। फिर खाउनो पीके आया। पिछली बार तो उसने इज्जत छुपाने के लिए रेडियो ढूंढ लिया था। एक मिनट, आप क्यों सोचेंगे? हम आपको अपनी पीके दिखा देते हैं। रॉन्ग नंबर, हाथ पकड़ो। तुम पोलैंड से हो ना? हाँ। ये मुझ निकालो। अब पोलैंड वाले पूछेंगे इंडिया में क्या उखाड़ा तो कहना ये। आज हमारे जजेज की जोड़ी एकदम परफेक्ट है। कैसे? एक तरफ गंजा, दूसरी तरफ मिस्टर बिगंजा। एक को कुछ याद नहीं रहता है और दूसरे को कोई याद करना नहीं चाहता है। हम अपने बारे में बताते, सोहेल भाई, हम पीके हूँ, पीके दूसरे गोले से आया हूँ। सोहेल भाई, हमको एक बात समझ में नहीं आती है,
जैसे आप लोग दुनिया में आते हैं, हम भी वैसे ही आपकी दुनिया में आए ओपनली, पर हमको देख लो कि चीख कहाँ निकल जाती है। कल करिश्मा ने तो हट कर दिया अर्चना जी, हमको देख के ऐसे चीख पड़ी। हमने कहा चीख रही हो ये तो सही है, हाथ तो सही जगह रखो, तब जाके ऐसे चीखी। पहले ये वाला जो एक्ट है ये बलराज करने वाला था। अच्छा। डायरेक्टर ने कहा रेडियो मुंह पे रखना, क्योंकि जो चीज सबसे ज्यादा गंदी है उसको ढकना है। वैसे सच बताएं हम भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, हमारी जिंदगी लुल हो गई है, हमारा स्क्रिप्ट चोरी हो गया है। अच्छा आपको कैसे पता? और आपको तो बिल्कुल नहीं पता, गजनी है। किसी को स्क्रिप्ट के बारे में कोई जानकारी है का? किसी को स्क्रिप्ट के बारे में कोई जानकारी है का? एक्सक्यूज मी, आपने ऊपर से किसी को नीचे आते हुए देखा है? हाँ, तुम्हारे करियर को। ये बताओ तुम हो कौन बड़े बड़े कानों वाले? मेरा छोड़ो, मैं तो पीके हूँ, तुम कौन हो? औरत जैसे मुंह पे चोंच लेके घूमने वाली महिला। ए, मेरे होठों के बारे में ना कुछ मत बोलना। इसका मुंह देख ऐसा लगता है अंडर डो मजदूर बिठा रखे हैं जो होठ बाहर फेंक रहे हैं। ज्यादा मत बोलो, मेरा पति एक बहुत बड़ा क्रिकेटर है। आज पता चला है उसको शतक का और बटक का दोनों का शौक है। उसके शतक के बारे में कुछ मत कहना। देखा, बटक पे अभी भी इसको कोई एतराज नहीं है। कौन हो तुम बे? मैं पत्रकार हूँ। पत्रकार हो? अच्छा, तुम ही हो जो रात में टीवी पे दाढ़ी लगा के आती हो? चैन से सोना है तो टीवी बंद करो। मैं जगत जननी हूँ, सनसनी नहीं। हे भगवान, तुम वो भी नहीं हो, आजकल नल्ले लोग दाढ़ी लगा के हिट हो जा रहे हैं। तुम हॉट ड्रेस में भी हिट नहीं हो पा रही हो। चुप करो, मुंह से बड़े तो तुम्हारे कान है, हो कौन? हमारे गोले पे सबका कुछ न कुछ बड़ा होता है। अरे किसी की कान बड़ी होती है, किसी की आंख बड़ी होती है, हमारे ताऊ जी की तो नाभि इतनी बड़ी थी। हाँ? उसमें पानी भर के मग्गा से नहाया करते थे। लेकिन अगर तुम एलियन हो तो हमारे जैसे कपड़े लाए कहाँ से? डांसिंग कार से। बताने को हम सच्चाई भी बता सकते हैं, भलाई इसी में है कि आप ही हमको एक स्क्रिप्ट दे दीजिए। अरे पर ये कहाँ से स्क्रिप्ट लाएंगे? तो तुम ही हमारी मदद करो, हम बहुत परेशान हैं। अच्छा ठीक है, एक बाबा है, उनके पास एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। ए, क्या झूठ बोल रही हो? बाबा के पास अगर अच्छी स्क्रिप्ट होती तो भूमि साहबीबी गैंगस्टर 3 हिट नहीं हुई होती। वो वाले बाबा नहीं है, कोई दूसरे बाबा आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए, उनसे स्क्रिप्ट मांग लेना। अच्छा कहाँ है? आ रहे हैं बाबा जी। जय हो जय हो जय हो। तेरे को किसी ने बताया नहीं आज संजू चल रहा है, गंजू नहीं। बकवास बंद करो, हम बहुत चमत्कारी हैं, हम लोगों की अंधेर जिंदगी में उजाला भर देते हैं। बिल्कुल भरती होगी, बल्ब जैसा मुंह लेके जो घूम रही हो। पहला प्रश्न तो ये है, इतनी हिंदी, नाश्ते में शेखर सुमन खा के आई हो क्या? कौन है ये तुच्छ प्राणी? ए, शेखर सुमन को नहीं जानती हो? पानी वाली हो कि मलाई वाली? अच्छा सुनो, ये मुंह लेके अर्चन जी का घर मत जाना। क्यों? उनका लड़का फुटबॉल का एक्सपर्ट है, 2 मिनट में गोल कर देगा। बकवास कर रहे हो, पीके हो क्या? देखा चमत्कारी है, इन्हें आपका नाम भी पता है। हमारी स्क्रिप्ट चोरी हो गई, हमको हमारी स्क्रिप्ट दिला दो प्लीज। अरे स्क्रिप्ट कुछ नहीं होती, सुपरस्टार अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। वैसे तुमने अपनी स्क्रिप्ट पाने के लिए क्या क्या किया? अरे हमने पूरे बॉलीवुड का चक्कर लगाया, दरअसल हम हाथ पकड़ के मन की बात जान जाते हैं, तो हमको लगा जौन आदमी हमारा स्क्रिप्ट चुराया होगा उसके मन में हमारी स्क्रिप्ट चल रही होगी, इस चक्कर में हमने पूरे इंडस्ट्री का हाथ पकड़ा। तो सबसे पहले किसका हाथ पकड़ा? अर्चना जी का। अर्चना जी का स्क्रिप्ट के लिए? नहीं, परमिट के लिए, गला दबा रही थी उसका। उसके बाद हम भट्ट साहब के पास चले गए। तो उनका हाथ पकड़ा? वो खुद अपना हाथ नहीं पकड़ पा रहे थे। हमने कहा भट्ट साहब क्या कर रहे हैं? बोले जिस्म के अगले पार्ट की स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था स्क्रिप्ट नहीं, फिल्में स्टार चलाते हैं। ये बात कौन कह रहा है जो ना जिंदगी में कभी स्टार बन सकती है और ना ही जिसको हम लोग कभी स्क्रिप्ट देते हैं। सही तो कह रही है, शो हम जैसे स्टार्स की वजह से चलता है। यहाँ जाग मार डालेगी आज पागल। खुद को स्टार कौन कह रहा है सोहेल भाई, जिसके घर में आजकल दूध भी सांप की वजह से आ रहे हैं। स्क्रिप्ट ही सब कुछ होती है। हाँ, स्क्रिप्ट ही अगर होती है तो ये बताओ कि बाहुबली किसकी वजह से चली, स्टार की वजह से या स्क्रिप्ट की वजह से? स्क्रिप्ट की वजह से,
क्योंकि कटप्पा जैसा मुंह स्टारडम की कैटेगरी में नहीं आता है। किसी डायरेक्टर से पूछ लेते हैं। एक काम करते हैं, परमीत से पूछते हैं। फोन तो कर लूं एक मिनट। हेलो संतोष भाई, वो बाजू वाली खोली से परमीत को बुलाना। हेलो परमीत भाई, एक आउट ऑफ सिलेबस आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, बॉलीवुड से रिलेटेड है। कौन बड़ा होता है, स्क्रिप्ट बड़ी होती है कि स्टार बड़ा होता है? कह रहे हैं अर्चना बड़ी होती है। आजकल हमारे घर में वही कमा रही है। एक काम करो, सोहेल को कॉल करो। सोहेल भाई को फोन करूं? सोहेल भाई, एक मिनट, अभी भी लड़की बोल रही है, रुको स्पीकर पे डालता हूं। पर्याप्त बैलेंस ना होने की वजह से इस नंबर पर इनकमिंग कॉल की सेवा बंद कर दी गई। सॉरी, मैं भूल गया था, सर्कस का चेक तो 60 दिन बाद आता है। एक मिनट, एक काम करते हैं, अपने शो के डायरेक्टर से पूछते हैं। हाँ, है ना? रुको। हेलो निकुल सर। बोल बे कुत्ते। सर आप स्पीकर पे हैं। ओ पारितोष सर, कैसे हैं? अच्छा सर, स्क्रिप्ट बड़ी होती है कि स्टार बड़े होते हैं? डायरेक्टर बड़ा होता है। और एक्ट जल्दी खत्म करो वरना नंगा करके फिर से रेडियो दे दूंगा। अर्चना जी, परितोष तुम्हारे कुछ पंचेस बहुत बढ़िया, अनीता वेरी नाइस, सम पंचेस अमेजिंग, ऑल थ्री ऑफ यू, जो आपने तालमेल किया है, द गिव एंड टेक वाज फैंटास्टिक, वेरी वेरी नाइस। थैंक यू मैम। सर जी, ऐसा पहली बार हो रहा है जहाँ हमें कहा गया था कि बेस्ट स्पूफ्स ऑन द फिल्म, तो एक एक्सपेक्टेशन है कि आप वी विल सी समथिंग वेरी सिमिलर टू द फिल्म, यू विल हैव अ डिफरेंट टेक टू इट। ये जो आप लोग ने कैरेक्टर्स निभाए हैं, आप लोग ने कमाल का काम किया है। थैंक यू सर। और अभी हम देखते हैं इस परफॉर्मेंस की लाफोमीटर पे कितनी कमाई हुई। पारितोष, अनीता और ओजस्वी, आपको मिलती है 12 मंद मंद हंसी, 18 हाहाकार और 15 फेफड़ा फाड़, तो कुल मिलाकर लाफोमीटर पर आपको मिलते हैं 2,70,000। थैंक यू सो मच। मैं जवाना जाते जाते बस यही कहूंगी, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, हमेशा खुश रहो, क्या पता कल हो ना हो।